गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्टर फॉस्टिस को, से लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न इन कैंटरबरी, जो कि इंग्लैंड में है, 1564 में, और इनकी डेथ हुई थी 1593 में। और ये जहाँ पर पैदा हुए थे वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, शू मेकर फैमिली थी। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा बोला जाता है। और इनमें बहुत सारे चार्जेस लगे थे कि ये एथिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब कि जो भगवान में भरोसा नहीं करते उनमें। और इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया है अपने प्लेज में, बहुत ही फेमस प्लेज है इनके। तो जो ब्लैंक वर्ड्स है वो क्लासिकल स्कूल टाइम से ही चला आ रहा था, लेकिन जो क्रिस्टोफर मार्लो है उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज़ किया है। उनकी जो ग्रिप थी ब्लैंक वर्ड्स पे इतनी ज़्यादा थी कि ये बोला जाता है कि जो ब्लैंक वर्ड्स है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो जो डॉक्टर फॉस्टिस है ये एक ट्रेजेडी प्ले है, और ये परफॉर्म हुआ था सबसे पहले 1588 में, क्योंकि एक प्ले है तो उस टाइम पे ये प्लेज लिखे जाते थे ताकि ऑडियंस देख सके। तो ये परफॉर्म हुआ था 1588 में और पब्लिश हुआ था 1604 में। ये भी एक हीरो बेस ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ड्रामा है, जिसमें एक प्रोलोग है, एक एपिलोग है। प्रोलोग होता है किसी भी, जब चीज़ कोई प्ले स्टार्ट होता है तो उसका एक प्रोलॉग होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। और एपिलॉग होता है जब प्ले एंड होता है, उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन निकल कर आता है। इसमें कोरस है, कोरस होता है जैसे कि ग्रीक में होते थे, ग्रीक के कोरस होते थे, तो वो इंट्रोड्यूस करते थे बीच बीच में, मेलनकली को शो करते थे, डिलेमा को शो करते थे। तो इस प्ले में 3 बार कोरस के एक्ट को दिखाया गया है, एक प्रोलोग में, फिर एक जब थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है, और एक लास्ट एपिलोग में। इसमें कुछ मेन मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर फॉस्टिस है, उनका एक नौकर है उसका नाम है वैगनर, उनके दो फ्रेंड हैं, एक है वेल्स, एक है कॉर्नेलियस, गुड और बैड एंजल है, मेफिस्टोफिलिस है, ल्यूसीफर है। ये इसके मेन मेन कैरेक्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट होता है प्रोलोग से। सबसे पहले प्रोलोग होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे रहा। तो जब प्रोलोग स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट करते हैं कोरस। कोरस कुछ लोगों का ग्रुप होता है, तो वो इसकी थीम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑडियंस को, क्योंकि ये उस टाइम पे ऑडियंस के लिए लिखा गया था। तो ये बताते हैं कि जो इनका इंटेंशन है, इनका जो प्ले है उसका थीम ये नहीं होगा कि वो दिखाएं आर्मीज़ को, दिखाएं बैटलफील्ड, दिखाएं या फिर प्लेजर ऑफ लव दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही रॉयल कोर्ट्स को दिखाएंगे। बल्कि जो इनका इस बार जो इनकी इसका थीम है, जो इनका प्ले है, वो उससे बहुत ही अलग है। और ये बताते हैं कि इनका थीम होगा एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसका नाम है फॉस्टिस, जो कि एक उसने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, वह हर चीज़ में परफेक्ट है, उसका नाम डॉक्टर फॉस्टिस है। तो उसके बचपन से स्टार्ट होगी और उसकी पूरी कहानी चलेगी। ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, वो जर्मनी में पैदा हुआ था, जहाँ का एक टाउन है रोड्स, वहाँ पर। फिर कैसे जब वो मैच्योर हुआ तो वो विटेनबर्ग चला गया, क्योंकि उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर सकती थी। तो उसके अंकल ने, उसके रिलेटिव्स ने उसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाई, और उसके बाद कैसे वो एक स्कॉलर बन गया सभी चीज़ों में, सभी रिसर्च में, और उसने डिग्री रिसीव कर ली, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। डिविनिटी होता है भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, जैसे कि डिवाइन होता है। तो ये हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में बेस्ट हो गया था, और अब ये और कुछ करना चाहता था। लेकिन ये तो इसका प्रोलोग चल रहा है, तो प्रोलोग में पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये सब उसे आता था डॉक्टर फॉस्टिस को। लेकिन उसके बाद जो उसका माइंड था, उसका प्राइड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका ईगो, उसका एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल लिमिट्स को भूल गया कि हम एक अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। और उसे कंपेयर किया गया है इकैरिस से। इकैरिस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसका एक मिथ है कि उसके जो विंग्स थे वो वैक्सीन थे, मोम के थे, और उसके फादर ने उससे वार्न किया था कि वो ज़्यादा ऊंचा ना उड़े, लेकिन वो अपने फादर की इस वार्निंग को ना सुनते हुए बहुत ऊंचा उड़ने लग जाता है। अपनी उसकी जो एम्बिशन होती है, उसकी जो पावर होती है, उसे दिखाने के लिए। और जब वो सन के पास पहुंचता है तो जो उसके वैक्सीन विंग्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और वो नीचे समुद्र में गिर के मर जाता है। तो यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है, जैसे वो अपनी पावर को ऐसे यूज़ कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा था। कोई भी गॉड इसे टॉलरेट नहीं करेगा कि जो इंसान है वो अपनी एम्बिशन से, अपनी लिमिट से ज़्यादा ऊपर उठे।
तो उसके साथ दिखाया है और कि कैसे इसका डैमनेशन होगा आगे डॉक्टर फॉस्टिस का। अब यहाँ से प्ले स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट था जहाँ पे कोरस इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोलोग था। अब जो प्ले है वो स्टार्ट होता है कि जो डॉक्टर फॉस्टिस है, जो फॉस्टिस है वो अपने स्टडी रूम में पढ़ रहा है, वो एक स्कॉलर है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वो बहुत सारी फील्ड्स देख रहा है नॉलेज की और सोच रहा है कि वो किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को लेके लेके आगे उसमें वर्क करे स्पेशलाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लॉजिक को सोचता है लेकिन फिर लॉजिक को रिजेक्ट कर देता है, ये सोच कर कि लॉजिक तो उसने ऑलरेडी उस पर बहुत सारा काम कर लिया है और उस पर लॉजिक पे उसकी जो है वो प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ग्रेट है। फिर वो मेडिसिन के बारे में सोचता है कि आगे वो मेडिसिन के बारे में पढ़े। फिर वो सोचता है कि मेडिसिन लेकिन किसी भी डेथ को कॉन्कर नहीं कर सकती है, मौत से नहीं जीत सकती है, कुछ भी हो जाए मेडिसिन किसी को बचा नहीं सकती लास्ट में। फिर वो सोचता है कि वो लॉ के आगे पढ़ाई करे। फिर वो सोचता है कि इसे भी रिजेक्ट करके कि लॉ सिर्फ मनी माइंडेड पर्सन करते हैं जो कि कुछ कौड़ियों के लिए, कुछ पैसों के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट वो सोचता है कि वो डिविनिटी के बारे में पढ़े। फिर वो इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देता है कि इसमें सब कुछ हमेशा दैव्यवाद के बारे में होगा, फेटलिज्म के बारे में होगा। लास्टली वो सोचता है कि वो मैजिक पढ़ेगा, वो मैजिक को पढ़ेगा, उसकी एक्सरसाइज करेगा, उसे रिपीट करेगा, क्योंकि मैजिक उसे वेल्थ दिलाएगी, पावर दिलाएगी, प्लस जो ग्लोरी है वो भी दिलाएगी। और यहाँ पर आके उसका माइंड सेट हो जाता है कि वो यही करेगा। अब वो अपने जो उसका एक नौकर है उसका नाम है वैगनर, तो वैगनर को वो बोलता है कि जाके उसके दो दोस्तों को बुलाकर लाए जिसका नाम है वेल्ट्स और कॉर्नेलियस। वेल्ट्स और कॉर्नेलियस दो स्कॉलर हैं जो कि इसके फ्रेंड हैं। जब वो बुलाने जाता है तो यहाँ पर स्टेज पर, जो स्टेज था, सीन था प्ले का, वहाँ पर दो एंजल्स आती हैं, गुड एंजल और बैड एंजल। यहाँ पर एंजल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उसके इनर माइंड को, उसकी कॉन्फ्लिक्ट को, कि जो डॉक्टर फॉस्टिस का भी इनर माइंड है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैसे सोच रहा है। तो जो गुड एंजल होती है वो बोलती है कि मैजिक की बुक को मत पढ़ो, क्योंकि जो नॉर्मेनिसी होती है, जो काला जादू होता है या फिर ब्लैक मैजिक है, जादू टोना होता है, नेक्रोमेसी, उन सब चीज़ों को ना पढ़ के वो स्क्रिप्चर पढ़े, गॉड को याद करे। लेकिन जो बैड एंजल होती है वो उसे एनकरेज करती है, वो उसे एनकरेज करती है कि जैसे गॉड स्काई में पावरफुल है, तुम ब्लैक मैजिक से उतने ही पावरफुल अर्थ पर हो सकते हो। अब उसके दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं, वेल्ड्स और कॉर्नेलियस, और वो दोनों आकर भी इसे एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें मैजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कुछ दिन हो जाते हैं तो बहुत सारे और जो स्कॉलर्स हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है और वो आते हैं वैगनर से पूछते हैं, वैगनर जो कि उसका सर्वेंट है डॉक्टर फॉस्टिस का, उससे पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो इस चीज़ में लैमेंट करते हैं, शोक मनाते हैं कि कैसे एक स्कॉलर का फेट है, जो भविष्य है, जो उसका भाग्य है, अब कैसे वो डैमनेशन की तरफ जाएगा, नरकवास में जाएगा। और वो सोचते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं उनको इस चीज़ के बारे में बता देंगे। ये तो दिन की बात, अब आती है रात। तो उसी रात क्या होता है कि जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो एक डार्क ग्रोव में, कुछ एक काले बाग में जाता है अंधेरे में और एक राउंड खींचता है। अब वो तैयार है कि वो स्पिरिट्स को बुलाएगा, जादू करके, ब्लैक मैजिक करके, नेक्रोमेंसी करके, जादू टोना करके वो स्पिरिट्स को बुलाएगा। तो वो क्या करता है, एक राउंड खींचता है, एक गोला बनाता है और उसमें लिख देता है जोहोवाहा। जोहोवाहा लिखने के बाद वो स्पिरिट्स को बुलाना शुरू करता है और उसके सामने एक स्पिरिट आ जाती है जिसका नाम यहाँ पर है मेफिस्टोफेलिस। अब जो मेफिस्टोफेलिस है वो अपनी ओरिजिनल अगली शेप में आता है, क्योंकि वो एक डेविल है, एक स्पिरिट है, उसकी जो फॉर्म होती है वो इतनी अगली होती है कि जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो उन्हें बोलते हैं कि वो जाए और दोबारा से फ्रांसीसियन फ्रायर के रूप में बनकर आए, क्योंकि जो उसकी शक्ल है उतनी ज़्यादा अगली है कि उसे टॉलरेट नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद मेफिस्टोफेलिस फिर से आता है और इस बार वो फ्रांसीसियन फ्रायर के रूप में आता है, जो कि एक पादरी होते हैं, फ्रायर पादरी के रूप में आता है। और इस बार वो बोलता है कि तुम मेरी हर एक बात मानोगे। फॉस्टिस उससे बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हर बात मानोगे। तो यहाँ पर जो मेफिस्टोफेलिस है उसे बताता है कि वो चाहकर भी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इस चीज़ से पहले जो ग्रेट लूसिफर है, जो सेटन है, जो उन सबके ऊपर राज करता है, जो उनका हेड है,
लूसीफर, उसे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फॉस्टर उससे पूछता है कि क्या वो उसके बुलाने से, जो उसने स्पेल किया जो हो वह, उसकी वजह से नहीं आया है। तो जो मेफिस्टोफिलेस है उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि हम जो डेविल्स हैं वो हमेशा इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन उन्हें मिले जो गॉड और क्राइस्ट स्क्रिप्चर्स को छोड़ना चाहता हो। तो इसके आगे की स्टोरी हम पार्ट टू में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं।